हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी स्टोर हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेब सीरीज तंदूर को। इस वेब सीरीज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो दिल्ली में 1995 में हुई थी। इस वेब सीरीज में 25 मिनट के टोटल 5 एपिसोड्स हैं। ये वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए इसकी IMDb रेटिंग कम ज्यादा हो रही है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दिल्ली शहर, जहाँ पे रात के 10 बजे है। वहाँ पर एक आदमी एक लाश को बोरी में भर रहा है। इस आदमी नाम साहिल शर्मा होता है। इसने अपनी बीवी पलक का कत्ल किया है और ये लाश उसी की है। वो उस लाश को गाड़ी की डिग्गी में डालता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दिल्ली शहर का एक रेस्टोरेंट, जहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। तभी वहाँ पर साहिल शर्मा अपना चेहरा छुपाकर उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है। ये रेस्टोरेंट साहिल शर्मा का ही होता है। साहिल शर्मा उस रेस्टोरेंट के अंदर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस रेस्टोरेंट का मैनेजर सब कस्टमर को बताता है कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है और वो सबको घर जाने के लिए बोलता है। वो अपने नौकरों को बोलता है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए आज रेस्टोरेंट जल्दी से बंद करना होगा, और वो उनको भी घर जाने के लिए बोलता है। सब लोग जाने के बाद रेस्टोरेंट का मैनेजर रेस्टोरेंट की सब लाइट्स बंद कर देता है और वो साहिल शर्मा की गाड़ी रेस्टोरेंट के अंदर लाता है। ये दोनों उस लाश को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजर तंदूर के भट्टी के अंदर बहुत सारी लकड़ियां डाल रहा है, जिस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा आग और धुआं हो रहा है, और इस आग की लकड़े और धुआं रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बोलता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि आग की लपटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। पहला पुलिस वाला बोलता है कि उस रेस्टोरेंट में जहाँ से आग निकल रही है। वो पुलिस वाला बोलता है कि वो रेस्टोरेंट का मैनेजर बोलते समय कुछ हकला रहा था और उसने हमें अंदर भी नहीं आने दिया। दरअसल ये पुलिस वाले उस आग के धुएं के बारे में थोड़ी देर पहले ही रेस्टोरेंट में पूछने के लिए गए थे। उस वक्त रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें बताया था कि साहिल भैया ने पार्टी प्रचार के कुछ पोस्टर्स जलाने को बोले हैं, वही जला रहा हूँ। उस पुलिस वाले के मन में वहाँ की सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए वापस उस रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो पुलिस वाला रेस्टोरेंट के गेट के बाहर आता है और वो जोर जोर से आवाज देने लगता है, लेकिन मैनेजर जल्दी से दरवाजा नहीं खोलता। जब वो दरवाजा खोलता है तो पुलिस वाला भट्टी के पास जाकर देखता है। पुलिस वाला पूछता है कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, भट्टी के अंदर क्या बना रहे हो। रेस्टोरेंट का मैनेजर बोलता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बकरा बना रहा हूँ। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब भट्टी के नीचे से जहाँ से लकड़ी अंदर डाली जाती है उस जगह से एक इंसान का हाथ बाहर आता है। ये देखकर पुलिस वाला चौंक जाता है। वो उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को पकड़ता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। इधर साहिल शर्मा पुलिस से चुपके दिल्ली से मुंबई पहुंच जाता है और वो एक होटल में चुपकर बैठता है। इधर पुलिस स्टेशन में रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछताछ हो रही थी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाता है कि ये लाश एक औरत की थी जिसे तंदूर की भट्टी में जलाया जा रहा था। दिल्ली में तंदूर हत्याकांड की न्यूज पेपर आउट हो जाती है। अयाज नाम का बंदा ये न्यूज पढ़ लेता है। अयाज पलक का क्लासमेट है। अयाज पलक के घर जाता है। वो घर के सामने खड़ा रहकर काफी देर पलक को आवाज लगाता है, साथ ही डोरबेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। उसे शक हो जाता है कि ये न्यूज पलक के रिलेटेड है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है। जब वो पुलिस से बात करता है तो वो बताता है कि पलक और वो कॉलेज में अच्छे फ्रेंड्स थे और उनके कॉलेज में साहिल शर्मा उनका सीनियर था। पहले साहिल शर्मा और पलक इन दोनों में एक दूसरे को लेकर काफी एटीट्यूड था, लेकिन कॉलेज के दिनों में साहिल शर्मा इलेक्शन में खड़ा हुआ था और उस वक्त साहिल शर्मा और पलक के दौरान दोस्ती हुई थी। आयान की बातों से पता चल जाता है कि उसके और पलक के काफी नजदीकी संबंध थे और वो साहिल शर्मा से कहीं ना कहीं नफरत करता था। पुलिस वालों को लगता है कि इस खून में अयाज का भी हाथ हो सकता है, लेकिन अयाज बोलता है कि अगर आपको किसी को पकड़ना है तो आप साहिल शर्मा को पकड़िए। मुंबई में साहिल शर्मा को एक आदमी मिलता है। वो बोलता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मुंबई से नहीं बल्कि मद्रास हाईकोर्ट से मिल जाएगी, इसलिए आपको मद्रास हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अब साहिल शर्मा मद्रास के लिए निकल जाता है। इधर रेस्टोरेंट का मैनेजर पुलिस को कहानी बता देता है कि साहिल शर्मा ने ही गाड़ी में अपनी बीवी की लाश लाई थी और उसी ने रेस्टोरेंट बंद करने के लिए कहा था, और फिर उन दोनों ने मिलकर उस लाश को तंदूर की भट्टी में जला दिया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को पता चल जाता है कि साहिल शर्मा मद्रास हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए आने वाला है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए वहां पर एक ट्रैप लगाते हैं। दिल्ली में एक विधायक साहिल शर्मा को ना पकड़ने के लिए दिल्ली के एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देता है। साहिल शर्मा का वकील साहिल को कॉल करके बताता है कि दिल्ली पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आई है, वो तुम तक पहुँचने से पहले तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर वो गड़बड़ी में वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले उसे ना पहचाने इसलिए वो अपने बाल पूरी तरह से कट कर देता है और वो अपना हुलिया भी चेंज कर देता है। जब वो कोर्ट के सामने आता है तब वहाँ पर दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार थी, वो उसे पहचान लेती है और वो उसे पकड़ लेते हैं। अब पुलिस साहिल शर्मा को दिल्ली ले आती है। अब साहिल शर्मा
पुलिस को असली कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते वक्त कुछ लोग बातें कर रहे थे कि उसने मेनका के साथ शादी की है, और वो लोग पलक के बारे में भला बुरा बोलने लगते हैं क्योंकि पलक काफी खूबसूरत थी। सब लोग उसकी सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट थे। वो एक दिन काफी शराब पीकर घर आया था और पलक किसी से फोन पर हंसकर बातें कर रही थी। उसे शक हो जाता है कि वो उसके पीछे किसी के साथ अफेयर कर रही है, इसलिए वो उसे पूछता है कि किसका फोन था। इस बात पर वो बताती है कि उसकी माँ का फोन था। साहिल पूछता है कि तो फिर फोन क्यों रख दिया। वो बोलती है कि बात खत्म हो गई थी। साहिल पलक को अपने लिए एक ड्रिंक बनाने के लिए दूसरे रूम में भेजता है। तब वो उस नंबर को रीडायल करके देखता है तो वो आयाज का नंबर होता है। इस पर साहिल पलक से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इन दोनों में इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है और उस झगड़े में साहिल अपना आपा खो देता है और वो अपनी गन निकालता है और सीधे पलक के सिर पे दो गोलियां मारता है। पलक वहीं पे मर जाती है। साहिल को कुछ भी समझ नहीं आता। वो पलक की लाश को बोरी में भर देता है, सारा खून साफ करता है और पलक की लाश को रेस्टोरेंट ले जाकर उस तंदूर की भट्टी में जला देता है। आखिर में साहिल बोलता है कि दुनिया के लिए मैं दरिंदा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अब भी पलक से बहुत प्यार करता हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।